हमजा बेटा चलो खाना खा लो, दवाई पी लो। मामा मुझे खाना नहीं खाना। पापा ने कहा था कि हम बाहर खाना खाएंगे, आप जल्दी तैयार हो जाए, मुझे भी तैयार कर दे। हमजा बेटा पापा को बहुत काम है, वो नहीं आएंगे। चलो तुम खाना खा लो, दवाई भी पीनी, देर हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है, मैं पापा के साथ खाऊंगा। पापा आ गए। सलाम। मुझे शायद कहते हैं मिस्टर निराश है, आपस में काम करता हूँ, उन्होंने आप लोगों को भी पासपोर्ट। अच्छा शुक्रिया जी। मामा ये क्या है? बाबा ने हमारे पासपोर्ट्स भेजे। मामा हम कहीं जा रहे हैं क्या? पता नहीं, चलो तुम खाना तो खाओ। नहीं मामा। चलो शाबाश, उठो गुड बॉय। अच्छा चलो चलो जल्दी, मजे का है ना? हाँ हाँ चलो गुड बॉय, बस एक रह गया और, ठीक है ना? शाबाश, बस चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं मामा मैं नहीं सोऊंगा, मैं पापा का वेट करूंगा। जिद नहीं करते। अच्छा चलो मैं आती हूँ एक सेकंड। अब कहीं जाएंगे तो नहीं ना, आप इधर ही रहेंगे ना? हाँ मैं इधर ही रहूँगा, आप ही सामान लेके अंदर जाएं। अरे हमसा तुम लेट क्यों गए? उठो होमवर्क कर। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पापा बात समझाया कि कुछ खा लिया। हेलो डॉक्टर फाकिर, हमजा को बहुत तेज बुखार है। क्या तुम्हें कहा भी था कि उसको बुखार मत होने देना? नूरमाना उसको लेके फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे। हाँ मैं अभी 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है थैंक यू सो मच। पापा ने कहा था कि हम बाहर खाना खाएंगे, बात कर मेरी तन्हाई की। मजे का है ना? हाँ हाँ चलो गुड बॉय। बस एक रह गया और, ठीक है ना? शाबाश, बस चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं मामा मैं नहीं सोऊंगा, मैं पापा का वेट करूंगा। चलो बेटा अब सोने का वक्त हो गया ना, अब सो जाओ। मामा पापा कब आएंगे? ओह तुम हर वक्त पापा को क्यों याद करते हो?
मुझे क्यों नहीं याद करते हो? मैं आपके पास ही रहता हूँ, पापा के पास नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ ना, सुबह स्कूल भी जाना है, फिर नींद पूरी नहीं होगी। शाबाश, स्टोरी सुना। स्टोरी सुना? नहीं। स्टोरी नहीं आती मुझे। मुझे तो आती है, मैं सुनाऊँ? कैसा है मुराद? बेटा देखो कौन आए, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी फुप्पू है, और वो छोटी माँ। दादू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मेरे के लिए दुआ की थी ना, मम्मा ने कहा था दादू बहुत दुआएं करते हैं। हाँ बेटा, तेरी दादू ने बहुत दुआ की थी, खुदा करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो तेरी दादू तो मर ही जाती। नहीं दादू, अब मत रोए। हमजा बेटा, हम सब आपको मिलने के लिए तड़प रहे थे, खुदा का शुक्र है आप ठीक है। हमजा बेटा, डॉक्टर ने आपको मना किया है ना बोलने से, ज्यादा नहीं बोलते। नूर बानो, अब मेरा पोता पोती और तुम सब मेरे साथ चलोगे, हम सब साथ रहेंगे, ये मेरा हुक्म है। वो घर तुम्हारा और एल्वीना का है और हर एक को अपने घर में रहने का हक है। बेटी ये मुझसे मत कहे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी नूरबानो, अब तुझे वही करना है जो मैं कहूंगी। और मम्मा मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। मम्मा आप क्यों रो रही हैं? ऐसे बेटा, तुम खुश हो ना? मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पापा, छोटी मम और जहान अमेरिका जा रहे हैं। पापा काम से जा रहे हैं बेटा, उनको जैसी छुट्टी मिलेगी वो वापस आ जाएंगे, हम तो यहाँ दादू के पास रहेंगे ना। पापा आप जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, पापा को जैसे ही वक्त मिला अपने हमजा से मिलने जरूर आ जाएंगे। अच्छा जाओ, वहाँ छोटी मामा और जिहान आपका वेट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं ना उनको खुदाफिज़ लेके। शाबाश।